गार्ड ऑफ ऑनर और स्वीकार करते हुए सभी के समर्थन का, सभी के प्रेम का, प्यार का। क्रिकेट को अपनी जिंदगी के रूप में देखने वाले इस मसीहा ने जब अंतिम बार 22 गज की मिट्टी को प्रणाम किया तो मानो हर आंख से निकल रहा आंसू बस यही चाह रहा था कि अब न्याय का वक्त आ चला है। न्याय उस घड़ी का जब देश के इस सपूत को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न घोषित किया जाए। वाकई दुआ रंग लाई और वानखड़े से विदाई के महज कुछ ही घंटों के अंदर देश के इस रत्न को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो गई। प्रॉब्लम नहीं है पर मजा आ गया ये देखकर। क्रिकेट से रुखसत होकर भी सचिन ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। दरअसल सचिन खेल से जुड़े पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। हालांकि इसको लेकर प्रयास लंबे समय से सामने थे। सबसे पहले मार्च 2010 में राजनेताओं और उसके बाद राज्यसभा में सचिन को इस सम्मान को दिए जाने की मांग की गई। मांग जोर पकड़ती गई और धीरे धीरे इस मांग ने सामूहिक रूप अख्तियार कर लिया जिसमें विभिन्न पार्टियों सहित समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी क्रिकेट के इस देवता को भारत रत्न से नवाजे जाने की बात कही। सच है दुआ के जब करोड़ों हाथ एक साथ उठ खड़े हों तो सम्मान की ये तस्वीर दिखनी लाजमी है। शिशिर और तेजिंदर के साथ सुचित्रा की रिपोर्ट, DD News, मुंबई।